सोलन के प्रमाणों में आज पूर्व ईटिक प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा पर अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला किया। सूचना के अनुसार उनकी टांगों व सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हमला उस वक्त हुआ जब बाबा अपने घर सेक्टर 4 से ट्रक यूनियन के ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और हरदीप बाबा को सड़क पर बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने हरदीप को परमाणु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। घटना के बाद से परमाणु में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मीडिया की तरफ से ही उन्हें बाबा पर हमले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि हरदीप बाबा पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी किसी पर भी हमले की निंदा करती है। सोलन पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बेशक हरदीप सिंह बाबा उनकी पार्टी में अब नहीं है, लेकिन जिसने भी हमला किया है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखती। देखिए, मुझे तो इस बारे में अभी जानकारी नहीं, ये तो आप ही से पता लगा है। और हमें, मेरे को तो अभी आप सुनने में आया है जो आपने बताया। किसी पर भी हमला होना निंदा की बात है, चाहे कोई भी है। और हमारा वैसे तो वो हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन पर जो भी हमला किया है जिन लोगों का, उसकी हम निंदा करते हैं। आम नागरिक होने के नाते भी हम उनकी निंदा करते हैं।